बहुत लोग मेरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो हे गाइस, सो गाइस बिग बॉस 17 में एल्विस यादव के दोस्त लोकेश कटारे की एंट्री होने वाली है और ये कंफर्मेशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल ऐसी खबर आ रही थी कि बिग बॉस की तरफ से लोकेश कटारे को ऑफर दिया गया था कि वो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर के आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी बड़ी खबर आ रही कि लोकेश कटारे ने शायद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर के आने वाले हैं और इसके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग वीडियो में भी रिएक्ट किया है। तो उन्होंने क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। बहुत लोग मेरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं क्या बोलूँ उस चीज़ में। तो एक भाईयर के पास और जाना आएगा एक बारी दिन एंड करने से पहले। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेश कटारे ने कहा कि आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो, हालांकि यहाँ पर लोकेश कटारिया ने उस चीज़ का नाम नहीं लिया क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बिग बॉस में जाने के पहले उसके बारे में नाम नहीं ले सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ के बारे में अपना रिएक्शन तो दिया है, बस पूरी तरह से खोल करके बताया नहीं है। तो यहाँ पर गए शायद कन्फर्म हो चुका है कि लोकेश कटारिया बिग बॉस 17 में एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर के जाने वाले हैं। अब दोस्तों बिग बॉस के घर में अभी ऑलरेडी 3 यूट्यूबर है, उसमें सबसे बड़े राइडर, और अगर लोकेश कटारिया बिग बॉस के घर में पहुंच जाते हैं तो एल्विस यादव के जो भी फैंस है, जो भी एल्विस आर्मी है, वो तो लोकेश कटारिया को ही सपोर्ट करने वाली है। ऐसे में दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि आप लोग किसको सपोर्ट करोगे, योगेश राइडर को या लोकेश कटारिया को या फिर किसी और को। आप लोग बिग बॉस 17 में लोकेश कटारिया के आने के बाद किसको सपोर्ट करोगे, आप लोग हमें इसके बारे में आप लोग की राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इस अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना।